ना हेलो नमस्कार दोस्तों, सही का फिर स्वागत है हमारे चैनल सी फरी के समय। दोस्तों आज हम सभी एक और वीडियो के साथ आ गए हैं। और ना दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार मुझसे कमेंट में पूछा गया है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डेट ऑफ DILO MTS Tier 1 एग्जाम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी टॉपिक पे आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हो तो दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आइए चल देना करते आज के वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। सो नाउ दोस्तों, अब हम बात करते हैं DILO MTS Tier 1 का जो आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जैक्ट डेट क्या है। सो वेल दोस्तों देखो, मैं आपका एक सिंपल इसका आंसर देता हूँ कि दोस्तों देखो, एग्जैक्ट डेट के बारे में अभी कोई खबर नहीं, क्योंकि दोस्तों देखो अभी DILO ने ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा है। DILO ने ना कोई अपना नोटिफिकेशन प्रेस कुछ भी रिलीज नहीं किया कि आपका एग्जाम कब तक होगा। एक और दोस्तों, एग्जैक्ट डेट आपको मालूम कब पड़ेगा दोस्तों, एग्जैक्ट डेट आपको उसी टाइम मालूम पड़ेगा जब दोस्तों आपका एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा, उसी आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसी पर आपको डेट दिया रहेगा कि दोस्तों आपको किस डेट को और कितने बजे किस सेंटर पे आपका एग्ज़ाम पड़ा है। तो दोस्तों देखो, एग्जैक्ट डेट के बारे में मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकता, क्योंकि दोस्तों एग्जैक्ट डेट आपका एडमिट कार्ड आएगा तभी आपको खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। आप DILO के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ से इनका एडमिट कार्ड आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों एग्जैक्ट डेट के बारे में आपको यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया होगा कि दोस्तों जब तक DILO कोई ऑफिशियली कुछ इसके बारे में नहीं कहता और जब तक एडमिट कार्ड आपका जारी नहीं होता, तब तक दोस्तों एग्जैक्ट डेट आपको नहीं मालूम पड़ने वाला। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं आखिर जो आपका Tier 1 का एग्जाम है ये होगा कब तक। सोवेल दोस्तों देखो, इसका अब Tier 1 का जो आपका एग्जाम है वो अगस्त नहीं तो दोस्तों सितंबर के महीने में आपका ये एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, चांसेस है कि दोस्तों अगस्त सितंबर में आपका एग्ज़ाम ये हो जाए, क्योंकि दोस्तों अभी अभी हाल फिलहाल में जैसे कोरोना वायरस हुआ है तो दोस्तों सबसे पहले भी 10th एंड 12th का होगा, एंड देन उसके बाद जो ग्रेजुएशन लेवल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है वो भी कंडक्ट किए जाएंगे। देन उसके बाद जो है आपका जितना भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम कॉम्पिटेटिव जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए फॉर्म भरे उनका जो है वो एग्ज़ाम होगा। ठीक है दोस्तों, चाहे आप दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भरे हो, चाहे आपका XNY एयरफोर्स NDA UPSC बहुत सारे दोस्तों बहुत बड़े बड़े एग्जाम जो है पोस्टपोन्ड हुए, सिर्फ मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों UPSC का हो गया जो सिविल सर्विस के लिए एग्जाम होता है, ये भी पोस्टपोन्ड हुआ है। आपका NDA का एग्जाम, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये भी आपका एग्जाम जो है पोस्टपोन्ड हुआ है। हालांकि दोस्तों आपका DRDO का एग्जाम जो है पोस्टपोन्ड नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों इसके बारे में कोई अभी नोटिफिकेशन आया ही नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली ये आपका एग्जाम जो है अगस्त नहीं तो दोस्तों सितंबर के महीने में ये आपका एग्ज़ाम कराया जा सकता है। ठीक है, और दोस्तों अब मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि दोस्तों आपको एग्जैक्ट डेट तभी मालूम पड़ेगा जब दोस्तों आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो दोस्तों उसी पे आपको जो एग्जैक्ट डेट दिया रहेगा कि दोस्तों आपको किस तारीख को कहाँ पर और किस जगह पर आपका जो एग्ज़ाम पड़ा है, आपको वहाँ पर उसी एग्ज़ाम सेंटर पर जाना होगा एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी, अब आपका डाउट क्लियर हो गया कि दोस्तों एग्जैक्ट डेट के बारे में, क्योंकि दोस्तों देखो एग्जैक्ट डेट दोस्तों ये तो अब मैं फिर से बता दूं कि जब DRDO और अपने एडमिट कार्ड रिलीज करेगा तभी मालूम पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि दोस्तों ये आपका एग्जाम अगस्त सितंबर इसी महीने में होगा। अब दोस्तों अब अगस्त में कब तक होगा, अब आप ये मुझसे पूछेगा तो दोस्तों देखो ये तो मैं भी नहीं बता सकता, और अब अगर आप पूछेगा कि दोस्तों सितंबर में किस तारीख होगा तो दोस्तों इसका भी जवाब मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि दोस्तों जब DRDO रिलीज करेगा तो दोस्तों उसी पर आपको मालूम पड़ेगा कि आपका एग्ज़ाम जो अगस्त में होगा या फिर सितंबर में। इन दोनों महीनों में आपका एग्ज़ाम अगस्त में कब होगा या फिर सितंबर में, जब भी एग्ज़ाम हो दोस्तों उस पे आपको डेट दिया जाएगा कि दोस्तों आपका इस महीने में इस तारीख को एग्ज़ाम है और इस सेंटर पर इतने बजे से एग्ज़ाम है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हो तो दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाकर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।